नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म मंटो को असल मायने में एक बायोपिक फिल्म कहा जा सकता है। हालांकि निर्देशक नंदिता दास ने फिल्म में मंटो के जीवन के सिर्फ 4 सालों को ही दिखाया है। अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास की फिल्मों का चयन हमेशा से ही बहुत हटकर रहा है। उन्होंने फिल्म फिराक के साथ डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा था। इस बार नंदिता ने उर्दू शायर और नामचीन शख्सियत सदावत हसन मंटो के जीवन के ऊपर फिल्म बनाने का प्रयास किया है और अच्छी रिसर्च के साथ उनके जीवन के 4 साल को नंदिता ने दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में दिखाई दिए। फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी 1946 के बॉम्बे से शुरू होती है, जहां उर्दू शायर और राइटर सदात हसन मंटो यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पत्नी साफिया और बेटी निधि के साथ रहते हैं। मंटो का ख्याल हमेशा से ही सबसे जुड़ा है, जिसकी वजह से कभी उसकी फिल्म प्रोड्यूसर से जिरहा हो जाती है तो कभी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ अनबन हो जाती है। इतना ही नहीं, राइटर ग्रुप के दोस्तों जैसे इस्मत से भी इनका अंदाज जुदा रहता है। फिल्म की कहानी और उसे दर्शाने का ढंग बेहद दिलचस्प है। 40 के दशक को नंदिता दास ने उस समय प्रयोग में आने वाले उपकरणों और वेशभूषा के साथ साथ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है, जिसमें मंटो की सोच और रहन सहन के ढंग को बखूबी दिखाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कयास लगाए जा रहे हैं कि दर्शकों को मंटो पसंद आएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।